हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंड अपॉन नेट जीआरएफ, माय सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, टीवेट एस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक है थान्थवेट और त्रिवार्ता से, तथा थान्थवेट और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। इससे पहले दोस्तों हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की क्वेश्चन सीरीज की थी, आज है थान्थवेट और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। उससे पहले दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बेच स्टार्ट है, जो कि एनटीए नेट जीआरएफ करके पीएचडी करना चाहते हैं, अर्थात जिनका सपना रिसर्चर बनना है, उनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में दोस्तों पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी दोस्तों अवेलेबल है, और साथ में इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो कि टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और इसी कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों इस कोर्स की फीस थी 10,250, जो कि अभी मात्र आपको 5,990 में ये ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर। इस कोर्स में दोस्तों आपको 600+ अर्थात 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, 600+ हावर डेली 4 घंटे से ज़्यादा की आपकी क्लासेस होगी। साथ में दोस्तों ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड फ्री नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और उस पर रिसर्चर बैच का फायदा उठाइए। साथ ही में दोस्तों आपको पाथफाइंडर ऐप पर सारथी बैच है, जो कि लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपको असिस्टेंट एग्जाम में यूजफुल रहेगा। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसी कोर्स में दिए जाएंगे। और लैब असिस्टेंट की इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 3,000 रुपये। विद्या स्थली बैच है दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्या ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी विथ सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 4,000 रुपये। साथ ही में दोस्तों आचार्य बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि अभी MP, UP और हरियाणा में वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज में आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स PDF में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 6,100 रुपये। साथ में दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल हैं। इस कोर्स में भी आपको पेपर 1, उससे पहले आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको PDF में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। और साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के सभी कोर्सेज पर दोस्तों आपको होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, और इस कोर्स की फीस है मात्र 7,100 रुपये। साथ ही में दोस्तों टेस्ट सीरीज है सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज, जो कि आपके NTA नेट JRF क्लासेस सेट एग्जाम PGT एग्जाम फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए सभी के लिए ये यूजफुल है। और इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रीवेट टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और परीक्षा की योजना के अनुसार आप टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि कुल 10 टेस्ट होंगे, जिन्हें आपको व्याख्या से ही सॉल्व पाया जाएगा। साथ ही में सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, और डाउनलोड कीजिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट JRF। तो चलिए दोस्तों थान्थवेट और त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा शाश्वत बर्फ या हिम के प्राकृतिक प्रदेश को प्रदर्शित करता है? ई एफ, ए डब्ल्यू, बी एस या डी एफ। तो बताइए दोस्तों, हिम के तथा हिम के प्राकृतिक प्रदेश को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा संकेत ऐसा है जो कि शाश्वत हिम अर्थात हमेशा बर्फ से आच्छादित क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में हमने संकेतों के बारे में पढ़ा था, जिनमें कोपेन महोदय ने 5 संकेत बताए थे, ए बी सी डी और ई। एच शब्द, एच अक्षर उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किया था, जिनमें दोस्तों ए के लिए उन्होंने उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरियाज बताए थे, बी दोस्तों इन्होंने शुष्क क्षेत्र बताए थे, तथा शुष्क क्षेत्रों के लिए बी अक्षर का प्रयोग किया, सी दोस्तों उन्होंने मध्य अक्षांशों के लिए बताए थे, तथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु के लिए उन्होंने सी अक्षर का प्रयोग किया, साथ में दोस्तों डी अक्षर का प्रयोग उन्होंने उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु के लिए प्रयोग किया था, और ए शब्द दोस्तों उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए किया था, तथा ठंडे क्षेत्रों के लिए ध्रुवीय अक्षर का प्रयोग किया, और एस से उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु को दर्शाया था। तो दोस्तों, शाश्वत बर्फ फिर हिम के प्राकृतिक प्रदेश को प्रदर्शित करने के लिए कोपेन ने ई एफ अक्षर का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन द्वारा प्रदत्त जलवायु वर्गीकरण में सी एस किस प्रकार की जलवायु का प्रतीक है? सी एस किस प्रकार की जलवायु का प्रतीक है? तो बताइए दोस्तों, कोपेन महोदय ने सी एस प्रकार की जलवायु के किन क्षेत्रों के लिए बताई थी? सी एस सोलो किया दोस्तों हमने, सी यानी मध्य अक्षांश, और एस यानी समर विदाउट रेन अर्थात शीतकाल में वर्षा, था शीतकाल आर्द्र, ग्रीष्मकाल शुष्क, शीतकाल आर्द्र, जो कि कहां पर पाई जाती है दोस्तों? ये मेडिटेरियन सी के पास में पाई जाने वाली जलवायु है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के लिए सी एस संकेत का प्रयोग किया था। साथ में दोस्तों, चीन के लिए दोस्तों सी डब्ल्यू अक्षर का प्रयोग किया था, इनके मध्य अक्षांशीय और विंटर विदाउट रहता शीतकाल आर्द्र शब्द आदर अक्षर के लिए चीन तुल्य जल था, चीन में सी डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी यूरोप के लिए दोस्तों इन्होंने सी एफ अक्षर का प्रयोग किया था, अर्थात मध्य अक्षांशीय और वर्ष पर्यंत वर्षा के लिए सी एफ शब्द, जो कि पश्चिमी यूरोपीय में पाई जाती है, और भूमध्य के क्षेत्रों में दोस्तों अर्थात उच्च तापमान और उच्च वर्षा पाई जाती है, जिसके लिए कोपेन मोदे ने ए एफ संकेत का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एस से भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। भारत में बताइए दोस्तों, एस प्रकार या फिर ए एस प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों कि भारत में ए एस प्रकार की जलवायु तथा शीतकाल में वर्षा कौन से क्षेत्रों में होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना की वकालत किसने की थी? जलवायु वर्गीकरण में संभाव्य किस संकल्पना की वकालत किसने की थी? त्रिवार्था ने, थानथवेट ने, कैंडू ने या मित्तल ने? तो बताइए दोस्तों, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के बारे में किसने बताया था? तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका आंसर है थानथवेट महोदय ने ही संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की वकालत की थी। चलिए दोस्तों, थानथवेट के बारे में पेज नहीं है, इस पे देखते हैं दोस्तों।
कांतवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले थानवेट महोदय कहाँ के एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे ये देखते हैं। तो दोस्तों यह है अमेरिकी क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। थानवेट महोदय एक अमेरिकी जलवायु वेता थे। इन्होंने अपना जलवायु दोस्तों कौन से सन में था, किस वर्ष इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण किया? तो दोस्तों इन्होंने 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, परंतु उसके बाद इसमें रिवाइज तथा संशोधन, अपने जलवायु वर्गीकरण का संशोधन इन्होंने 1948 में किया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उसके बाद में अपना रिवाइज क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इन्होंने 1948 में प्रस्तुत किया था। इसके आगे दोस्तों इन्होंने अपने जलवायु प्रथम जलवायु वर्गीकरण का आधार किस आधार पर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था? तो इन्होंने अपना 1931 में वर्षा और तापमान के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था, अर्थात वर्षा प्रभाविता प्लस तापीय दक्षता था। वर्षा और तापमान के आधार पर इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था और इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण दोस्तों कोपेन ने ए बी सी डी और ई शब्द का प्रयोग किया था। उसी प्रकार दोस्तों त्रिवार्था ने भी अपने जलवायु वर्गीकरण में ए बी सी डी और ई शब्द का 5 संकेतों का प्रयोग किया था, जिनमें ए बी सी डी और ई इन संकेत अक्षरों का प्रयोग थानवेट महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किया। तो दोस्तों यही देख लेते हैं हम। ऐसे इन्होंने कौन से क्षेत्रों के लिए ए अक्षर का प्रयोग किया था? तो दोस्तों जिस प्रकार कोपेन ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए ए शब्द का प्रयोग किया था, उसी प्रकार इन्होंने भी ए क्षेत्र के लिए अथवा ए अक्षर के लिए आद्र या फिर अति आद्र प्रदेशों के लिए या फिर वेरी ह्यूमिड रीजन्स के लिए इन्होंने ए अक्षर का प्रयोग किया। साथ में दोस्तों बी अक्षर के लिए इन्होंने ह्यूमिड क्षेत्र अर्थात आर्द्र क्षेत्रों के लिए बी अक्षर का प्रयोग, सी के लिए दोस्तों इन्होंने उपाद्र क्षेत्रों के लिए या फिर सब ह्यूमिड क्षेत्रों या उपाद्र क्षेत्रों के लिए सी अक्षर का प्रयोग किया। साथ में दोस्तों इन्होंने डी शब्द का अर्थात डी अक्षर का प्रयोग अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए या फिर इसे ही सेमी एरिड रीजन्स के लिए डी अक्षर का प्रयोग किया और सबसे लास्ट में ई अक्षर के लिए शुष्क क्षेत्रों या फिर एरिड रीजन्स के लिए ई अक्षर का प्रयोग किया था। तो दोस्तों थानवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण 1931 में आया था, जिसको रिवाइज इन्होंने 1948 में किया था। इसमें इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता के आधार पर वर्गीकृत किया और साथ में ही 5 अक्षरों से अर्थात जलवायु को 5 अक्षरों के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया, जिनमें ए बी सी डी और ई अक्षरों का प्रयोग किया था। तो चलिए दोस्तों शॉर्ट में इसको समझ लिए, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दोस्तों थर्टी वन में तो देख लिए दोस्तों, और 1948 में इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को किस आधार पर प्रस्तुत किया था? तो यहां पर देख ले दोस्तों कि 1948 में थानवेट महोदय के जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार था? तो इसमें इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर
आधारित अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया था दोस्तों, कि जलवायु वर्गीकरणों में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन संकल्पना की वकालत किसने की थी। तो ट्रांसवेट मोदे ने ही अपने जलवायु वर्गीकरण में था 1948 में रिवाइज जलवायु वर्गीकरण में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन संकल्पना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण का क्या आधार था, वर्षा, तापमान, वनस्पति या ए व बी दोनों। तो बताइए दोस्तों, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। अभी हमने देखा था दोस्तों, थानवेट का जलवायु वर्गीकरण तापमान और वर्षा पर निर्भर था। तापमान और वर्षा के आधार पर इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था। तो ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्ता ने विश्व की जलवायु को कितने बड़े समूह में बांटा है। त्रिवार्ता महोदय ने कितने प्रदेशों में या कितने भागों में विश्व को जलवायु समूह में बांटा है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों, त्रिवार्ता के बारे में भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। महोदय का जलवायु वर्गीकरण, इनका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ त्रिवार्ता, दोस्तों त्रिवार्ता का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो कि जीटी त्रिवार्ता है, यह एक अमेरिकन जलवायु वेता थे, अर्थात अमेरिका के एक प्रसिद्ध जलवायु वेता थे। इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण 1966 में प्रस्तुत किया था और अपना रिवाइज तथा संशोधित इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को 1980 में संशोधित किया था। इन्होंने दोस्तों, थानवेट ने 5 अक्षरों का प्रयोग किया था। इसी प्रकार त्रिवार्ता ने अपने जलवायु वर्गीकरण में 6 अक्षरों का, 6 सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया था, जिनमें ए बी सी डी ई एंड एफ, इन अक्षरों का प्रयोग थानवेट महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किया था, जिनमें इन्होंने ए अक्षर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत किया, अक्षर से दोस्तों इन्होंने शुष्क क्षेत्रों को प्रस्तुत किया, सी अक्षर से इन्होंने दोस्तों उपोष्ण क्षेत्रों को प्रस्तुत किया, साथ में डी अक्षर से इन्होंने शीतोष्ण क्षेत्रों को प्रस्तुत किया और ई अक्षर से उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्रों के लिए उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय और ई अक्षर से इन्होंने उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत किया। हाई लेटिट्यूड रीजन्स के लिए इन्होंने ई अक्षर का प्रयोग और एफ अक्षर के लिए इन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए इन्होंने एफ अक्षर का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, थानवेट ने 5 भागों में बांटा था और त्रिवार्ता ने अपने जलवायु वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा था। जलवायु वर्गीकरण का आधार दोस्तों वर्षा, तापमान और वनस्पति को माना जाता है। वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था।
सॉरी दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो वर्षा, तापमान और वनस्पति पर ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण आधारित था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि ट्रिवार्था ने विश्व के जलवायु को कितने बड़े जलवायु समूहों में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों, ट्रिवार्था ने 6 जलवायु वर्गीकरण अर्थात 6 समूहों में अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? उपोष्ण जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर उपोष्ण कटिबंधीय है या उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाएगा? उत्तरी भाग में, पूर्व दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, उपोष्ण आर्द्र जलवायु किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। यहाँ से 30 डिग्री से 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों, इनके मध्य में पता है व्यापारिक पवनें चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण मानी जाती है। तो दोस्तों, उपोष्ण आर्द्र जलवायु का विस्तार भी महाद्वीपों के कौन से भागों में होगा? तो भैया, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में होगा, क्योंकि पूर्वी भाग से पूर्व से पश्चिम हवाएं प्रवाहित होगी, अर्थात ट्रेड विंड्स है। इस क्षेत्र में ट्रेड विंड्स प्रवाहित होती है, तो यह है उत्तर पूर्व से अर्थात उत्तर से पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, जिस कारण यह है पूर्व में तो आर्द्र होगी परंतु पश्चिम भी भाग में यह है शुष्क भाग के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापमान कितना रहता है? बोरियल जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापमान कितना रहता है? बताइए दोस्तों, बोरियल क्षेत्र में वार्षिक तापमान कितना रहता है? बोरियल क्षेत्र कहाँ पर रहेंगे दोस्तों? बोरियल वन या शीतोष्ण कटिबंधीय वन या फिर इन्हीं को कोणधारी वन कहा जाता है। कोणधारी वन भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये कौन से तापमान पर विकसित होते हैं? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस या 5 से 10 डिग्री सेल्सियस? तो बताइए दोस्तों, बोरियल वन कौन से तापमान पर विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बोरियल वन 0 से 10 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जो कि डी कोपेन मोदे ने डी अक्षर से इन्हें डिनोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्था ने विषुवत रेखीय जलवायु को किस चिन्ह से दर्शाया है? त्रिवार्था महोदय ने विषुवत रेखीय जलवायु को कौन से संकेत से दर्शाया है? तो दोस्तों, त्रिवार्था और कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण लगभग समान है। जिस प्रकार कोपेन महोदय ने विषुवत रेखीय क्षेत्र को AF से बताया था, उसी प्रकार त्रिवार्था ने भी विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए अक्षर का ही प्रयोग किया है। AM दोस्तों मानसूनी जलवायु या मानसूनी क्षेत्रों के लिए AM का प्रयोग किया। AS दोस्तों था शीतकाल में वर्षा, शीतकाल आर्द्र या और ग्रीष्मकाल शुष्क, और AW यानी दोस्तों सवाना तुल्य जलवायु अर्थात शीतकाल शुष्क और ग्रीष्मकाल में वर्षा, और विषुवत रेखीय क्षेत्र के लिए AF अक्षर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की वायुमंडलीय स्थायी औसत अवस्थाएं क्या कहलाती है? जलवायु, मौसम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, किसी स्थान की वायुमंडलीय स्थायी औसत अवस्थाएं क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, किसी स्थान की वायुमंडलीय स्थाई औसत अवस्थाएं, स्थाई औसत अवस्थाएं दोस्तों जलवायु कहलाती है। लगभग यह है 30 से 35 वर्षों तक, जब किसी स्थान पर लंबे समय तक कारक प्रभावित नहीं होते अर्थात एक समान जलवायु पाई जाती है, वह जलवायु अर्थात एक समान जलवायु घटक जैसे कि तापमान, आर्द्रता आदि जलवायु घटकों में जब अर्थात
अत्यधिक वर्षा या फिर लंबे समय तक जो परिवर्तन नहीं होता है तो उसे जलवायु कहते हैं, जो कि लगभग 3 वर्षों तक मानी जाती है। मौसम दोस्तों दैनिक परिवर्तन या फिर मौसमी परिवर्तन जो कि शुष्क क्षेत्र अर्थात शुष्क ऋतुओं के लिए या फिर छोटी ऋतु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वातावरण दोस्तों हमारे चारों ओर का आवरण ही वातावरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जलवायु स्थान की वायुमंडलीय स्थायी औसत तापमान या फिर औसत अवस्थाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है? ए ए दोस्तों गर्म मरुस्थल, ए एम उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय सवाना और ए एफ से उष्णकटिबंधीय वर्षा। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अभी हमने सॉल्व किया कि ए एम मानसूनी होती है, ए डब्ल्यू दोस्तों सवाना तुल्य होता है अर्थात ग्रीष्मकाल आर्द्र और शीतकाल शुष्क होता है, और ए एफ से विषुवत रेखीय जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए ए एफ अक्षर का प्रयोग किया जहाँ पर सदाबहार वनस्पति और सदा वर्षा पाई जाती है, परंतु ए के लिए दोस्तों गर्म मरुस्थल नहीं होते। गर्म मरुस्थलों के लिए बी एस एस संकेत का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, टीवार्थर द्वारा चिन्हित ई अक्षर किस जलवायु को दर्शाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या शुष्क जलवायु? तो बताइए दोस्तों ए अक्षर से हम किस जलवायु को प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों ए यानी आर्द्रता था उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या विषुवत रेखीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए त्रिवार्था महोदय ने ए अक्षर का प्रयोग किया है। उपोष्ण के लिए बी अक्षर का शुष्क के लिए बी अक्षर का, उपोष्ण के लिए सी अक्षर का और शीतोष्ण के लिए डी अक्षर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जलवायु क्षेत्र के आंतरिक भाग उपाद्र होते हैं तो किस नाम से जाने जाते हैं? ए डब्ल्यू, ए आर, ए एम या ए एस? तो बताइए दोस्तों ए जलवायु क्षेत्र के आंतरिक भाग उपाद्र प्रकार के या उपाद्र होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं, ए जलवायु क्षेत्र के आंतरिक भाग उपाद्र होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? ए डब्ल्यू दोस्तों विंटर विदाउट रेन अर्थात ग्रीष्मकाल में वर्षा, ए एम यानी दोस्तों मानसूनी वर्षा, ए एस दोस्तों शीतकाल में वर्षा। परंतु दोस्तों ए आर से त्रिवार्धा महोदय ने उपाद्र क्षेत्रों के लिए ए आर अक्षर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुनिष्ठ वर्षा वितरण के आधार पर उपोष्ण जलवायु निम्न में से किस दो प्रकार की है? सी एफ डब्ल्यू सी एस, सी एफ डब्ल्यू सी एस, सी सी डब्ल्यू एफ सी एस या सी एफ सी सी डब्ल्यू? तो बताइए दोस्तों ऋतुनिष्ठ वर्षा वितरण के आधार पर उपोष्ण जलवायु निम्न में से किन दो प्रकार की है? उपोष्ण जलवायु के बारे में बताना है दोस्तों, उपोष्ण जलवायु कितने प्रकार की है? चलिए दोस्तों देखते हैं, उपोष्ण जलवायु दोस्तों कौन से अक्षर से प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों सी अक्षर से उपोष्ण जलवायु को प्रदर्शित करते हैं अर्थात मध्य अक्षांशों के लिए सी अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऋतुनिष्ठ वर्षा वितरण के आधार पर उपोष्ण जलवायु सी एफ डब्ल्यू, सी एफ डब्ल्यू दोस्तों ये सेम ऑप्शन है, तो सी एफ डब्ल्यू तो कंफर्म होगा दोस्तों, और सी एस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों।
राइट आंसर है CFW और CS प्रकार की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी एशिया जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? उत्तर पूर्वी एशिया जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? शीतोष्ण महाद्वीपीय, शीतोष्ण समुद्री, उपोष्ण या बोरियल? तो बताइए दोस्तों, उत्तर पूर्वी एशिया जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी एशिया जलवायु के बारे में पूछे तो उत्तर पूर्वी एशिया जलवायु थार डी अक्षर या फिर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के लिए हम शीतोष्ण महाद्वीपीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः उत्तर पूर्वी एशिया जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के शीतोष्ण महाद्वीपीय भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानवेट ने सर्वप्रथम अपना जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, थानवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थानवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण सर्वप्रथम 1931 में प्रस्तुत किया था। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने अपना रिवाइज क्लाइमेट क्लासिफिकेशन 1948 में प्रस्तुत किया था, इसमें संशोधन 1948 में दिया था, परंतु सर्वप्रथम 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जो कि तापीय दक्षता था, तापमान प्लस वर्षा के आधार पर इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और 1948 में इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार संभाव्य वाष्पोत्सर्जन को माना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, PNE प्रिसिपिटेशन इफिशियंसी सूची के आधार पर थानवेंट ने भूपटल को कितने आर्द्रता प्रदेशों में विभक्त किया था? 4, 5, 6 या 3? तो बताइए दोस्तों, PNE अर्थात प्रिसिपिटेशन इफिशियंसी के आधार पर थानवेंट ने भूपटल को कितने आर्द्रता प्रदेशों में विभाजित किया है? अर्थात वर्षण प्रभाविता के आधार पर थानवेंट ने अपना जलवायु वर्गीकरण या फिर कितने आर्द्र प्रदेशों में इन्होंने विभक्त किया? तो चलिए दोस्तों देखते हैं, वर्षा के आधार पर थानवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में विभक्त किया था, जिनकी बात दोस्तों हमने स्टार्टिंग में की थी, ए बी सी डी एंड ई, अर्थात वेरी ह्यूमिड रीजन, बी में ह्यूमिड रीजन आर्द्र क्षेत्र, सी में दोस्तों सब ह्यूमिड रीजन उपार्द्र क्षेत्र, और डी में दोस्तों सेमी एरिड रीजन था अर्ध शुष्क क्षेत्र, और ई के लिए शुष्क क्षेत्र था, एरिड रीजन के लिए ई अक्षर का प्रयोग किया था, जिनमें दोस्तों ए अक्षर में वेरी ह्यूमिड रीजन, इनमें अगर आर्द्रता अधिक होगी तो सघन वनस्पति होगी अर्थात सघन वन होगा, जहां पर वर्षा कितनी होगी दोस्तों, जहां पर वर्षा 128 सेंटीमीटर से अधिक होगी, और ह्यूमिड रीजन्स हो दोस्तों अर्थात आर्द्र क्षेत्र, उपाद अति आर्द्र से कम आर्द्र क्षेत्र, जिनमें हमें वनस्पति अर्थात वन पाए जाएंगे, जिनमें वर्षा होगी दोस्तों 64 से 180 सेंटीमीटर, और सब ह्यूमिड क्षेत्र अर्थात उपाद्र क्षेत्रों के लिए यहाँ पर ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे अर्थात घास मैदान पाए जाएंगे, जहां पर वर्षा दोस्तों 32 से 34 64 सेंटीमीटर होगी, और सेमी एरिड दोस्तों शुष्क क्षेत्र होंगे अर्थात अर्ध शुष्क क्षेत्र होंगे, जहां पर शुष्क क्षेत्रों में दोस्तों स्टेपी वन पाए जाएंगे, जहां पर वर्षा 16 से 32 सेंटीमीटर होगी, और शुष्क क्षेत्रों में दोस्तों
शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्टेपी जलवायु पाई जाएगी, और शुष्क क्षेत्रों में दोस्तों उष्णता मरुस्थल पाए जाएंगे, डेजर्ट्स होंगे, जहां पर वर्षा 0 से 15 सेंटीमीटर देखी जाती है। तो दोस्तों वर्षा के आधार पर थानवेट मोदे ने 5 भागों में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने आर्द्रता प्रदेशों को 5 बांटा, वेरी हुमिड, हुमिड, सब हुमिड, सेमी एरिड और एरिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए आंध्र प्रदेश, और उनको कौन से संकेतों के आधार पर प्रदर्शित किया गया है? आद्र, तर अर्थात वेरी हुमिड या अति आद्र, अर्धशुष्क, उपाद्र। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में आंसर, अभी हमने सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन में। प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी में कौन से संकेत अक्षरों का इन्होंने थानवेट ने प्रयोग किया था? तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आर्द्र क्षेत्र, अति आर्द्र क्षेत्र, अर्ध शुष्क और उपाद्र क्षेत्र। तो दोस्तों अति आर्द्र वेरी हुमिड के लिए इन्होंने ए अक्षर या ए संकेत को प्रस्तुत किया। उसके बाद में दोस्तों हुमिड क्षेत्रों के लिए इन्होंने बी संकेत का प्रयोग किया। बाद में दोस्तों इन्होंने अर्ध शुष्क या उपाद्र उपाद्र क्षेत्रों के लिए इन्होंने सी अक्षर का प्रयोग किया, और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए इन्होंने डी अक्षर का प्रयोग किया था। साथ में दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए इन्होंने ई अक्षर का प्रयोग किया था। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानवेट का तापीय दक्षता सूची ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? थानवेट का तापीय दक्षता सूची ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा है? तो दोस्तों एलिमिनेट करके इसका आंसर सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पी एंड यथार्थ प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी, जो कि वर्षण प्रभावित क्षेत्रों के लिए, तो ये आंसर नहीं होगा। टी दोस्तों टेम्परेचर इफिशियंसी, और पी है दोस्तों प्रेसिपिटेशन इफिशियंसी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए टी ए -32/4 उसका राइट आंसर है। दोस्तों थानवेट का तापीय दक्षता सूची ज्ञात करने का सूत्र है T/E = T-32/4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तापीय दक्षता के लिए दोस्तों इन्होंने T-32/4 इस फॉर्मूले का इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु शीतकाल में कम वर्षा थानवेट के किस जलवायु प्रकार की विशेषता है? शीतकाल शुष्क या फिर ग्रीष्मकाल में वर्षा, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, शीतकाल में कम वर्षा आता है, शीतकाल शुष्क मतलब विंटर विदाउट रेन। तो जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में शीतकाल शुष्क, तो दोस्तों थानवेट मोदे के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BAW AAR के लिए दोस्तों इन्होंने उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया। उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र या आर्द्र जलवायु, साथ में दोस्तों BAR से इन्होंने उपोष्ण जलवायु, और CEW से इन्होंने प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिणी भारत के मध्य भाग के लिए इन्होंने CAW संकेत अक्षर का प्रयोग किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्लस शीतकाल शुष्क, शीतकाल में कम वर्षा के लिए
विंटर विदाउट रेन के लिए इन्होंने BAW अक्षर का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्ता का वर्गीकरण किस पर आधारित है? अनुभाविक, जननिक, ए व बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण पर आधारित है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो दोस्तों त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण अनुभाविक और जननिक दोनों पद्धतियों पर आधारित है। इनमें से दोस्तों कोपेन महोदय ने अनुभाविक पद्धति का प्रयोग किया था और त्रिवार्ता ने अनुभाविक प्लस जननिक दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया था। अनुभाविक दोस्तों अनुभव आधार पर और जननिक यानी कि किसी स्थान की विशेषता या उत्पत्ति या फिर किसी स्थान की विशेषताओं के आधार पर जननिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उनमें एक होती है दोस्तों व्यवहारिक पद्धति, अर्थात किसी क्षेत्र की प्रेक्षित विशेषताओं के आधार पर किया गया जलवायु वर्गीकरण व्यवहारिक जलवायु वर्गीकरण जलवायु पद्धति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। त्रिवार्ता ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? त्रिवार्ता महोदय ने अपना जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों त्रिवार्ता ने अपना जलवायु वर्गीकरण 1966 में प्रस्तुत किया था और इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण का संशोधन 1980 में किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्ता के जलवायु समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी जलवायु, ए जलवायु, ई जलवायु या जी जलवायु? तो बताइए दोस्तों त्रिवार्ता के जलवायु समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, त्रिवार्ता के जलवायु समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों अभी हमने सॉल्व किया था कि त्रिवार्ता का जलवायु समूह हमने कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में त्रिवार्ता ने अपने जलवायु समूह को बांटी, जो कि ए बी सी डी और ई अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जिनमें दोस्तों जी जलवायु इनके समूह में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानवेट ने जलवायु की सीमाओं के निर्धारण के लिए किन सूचकांकों का विकास किया है? आर्द्रता सूचकांक, संभाव्य एवं आर्द्रता सूचकांक, शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक या तापीय दक्षता सांद्रण सूचकांक? तो बताइए दोस्तों थानवेट के जलवायु की सीमाओं के निर्धारण के लिए का विकास किया है। थानवेट महोदय ने वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आर्द्रता सूचकांक, संभाव्य और आर्द्रता सूचकांक, शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक और तापीय दक्षता सांद्रण सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर डी था, सभी सभी के लिए यथा सभी सूचकांकों का थानवेट महोदय ने प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवार्ता ने जलवायु समूहों को कितने जलवायु समूहों को स्वीकार किया है? त्रिवार्ता महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण में कितने जलवायु समूहों को स्वीकार किया है? 4, 5, 6 या 7? तो बताइए दोस्तों त्रिवार्ता के जलवायु समूह कितने जलवायु समूह थे? अभी हमने देखा दोस्तों 6 जलवायु समूह के बारे में त्रिवार्ता महोदय ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक साइड है आर्द्र प्रदेश और दूसरी साइड है प्रिसिपिटेशन इफिशियंसी। तो बताइए दोस्तों कौन से प्रदेशों में कैसी वर्षा देखी जाती है? थानवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों, जिनमें इन्होंने ए बी सी ई सी डी ई शब्द का प्रयोग किया था, ई अक्षर संकेत का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं दोस्तों, अति आर्द्र क्षेत्र अर्थात वेरी ह्यूमिड क्षेत्रों के लिए ए अक्षर का प्रयोग किया था। ए अक्षर यानी दोस्तों सदाबहार वनस्पति अर्थात सघन वनस्पति, जहां पर हमेशा बारिश होती है और वहां पर वन पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा दोस्तों 128 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाएगी। बी है दोस्तों आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र में दोस्तों अति आर्द्र क्षेत्र से कम वर्षा देखी जाती है। तो इसका सही है 64 से 127 सेंटीमीटर तक वर्षा। सी है दोस्तों
शुष्क क्षेत्र या फिर उपाद्र शुष्क नहीं दोस्तों उपाद्र क्षेत्र, जहां पर वर्षा आर्द्र क्षेत्रों से कम देखी जाती है, इसको 35 से 63 तक। और ई है दोस्तों शुष्क क्षेत्र, जहां पर मरुस्थल देखे जाते हैं, जहां पर बहुत कम वर्षा देखी जाएगी, जो 16 से भी कम होती है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर 4321, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो से सम्मिलित कीजिए, एक और तापमान प्रदेश है और दूसरी साइड टेम्परेचर इफिशियंसी अर्थात तापीय दक्षता को दर्शाया गया है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, जिस प्रकार वर्षा होती है उसी प्रकार तापमान पाया जाएगा। तो थांतवेट महोदय ने ए अक्षर में उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु सदा वनस्पति अधिक वनस्पति और ज्यादा वर्षा ज्यादा तापमान होगा। तो अधिक तापमान के लिए दोस्तों 128, बी दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से कम तापमान देखा जाएगा, तो 64 से 127 इसका मैच कर देंगे। सी दोस्तों बी से कम यहाँ पर तापमान देखा जाएगा, तो 32 से 63। और डी अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए 16 से 31 जहाँ पर बहुत कम तापमान पाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। था सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानतवेट के जलवायु वर्गीकरण में लगभग समूचा उड़ीसा राज्य कौन से वर्ग में आता है? शुष्क उपाद्र वर्ग में, नम उपाद्र वर्ग में, अर्धशुष्क वर्ग में या आद्र वर्ग में? तो बताइए दोस्तों थानतवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उड़ीसा राज्य कौन से वर्ग में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जहाँ पर शुष्क जलवायु नहीं पाई जाती है, अर्धशुष्क जलवायु भी नहीं पाई जाती है और आर्द्र जलवायु था अति आर्द्र जलवायु भी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर उपाद्र जलवायु या फिर नम उपाद्र वर्ग में उड़ीसा राज्य को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने जलवायविक वर्गीकरण में वर्षा वाष्पीकरण अनुपात के विचार को रखा है? कोपेन ने, थानतवेट ने, क्रिचफील्ड ने या स्ट्रोलर ने? किसने वर्षा वाष्पीकरण अनुपात को अपने जलवायु वर्गीकरण में शामिल किया है? तो दोस्तों वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, इन सभी को थानतवेट महोदय ने ही अपने वर्गीकरण में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानतवेट वर्गीकरण में दक्षिण गंगा मैदान की जलवायु किसके द्वारा सूचित की जाती है? BAW, CAW, AAW या फिर CWW? तो बताइए दोस्तों दक्षिणी गंगा मैदान के जलवायु के लिए थानतवेट ने कौन से संकेत अक्षरों का प्रयोग किया है? तो दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, CAW अक्षर से थानतवेट महोदय ने दक्षिण गंगा मैदान के जलवायु को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु वर्गीकरणों में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना की वकालत किसने की थी? दोस्तों संभाव्य वाष्पोत्सर्जन थानतवेट महोदय ने बताया था। अपने जलवायु वर्गीकरण का संशोधित रूप 1948 में इन्होंने संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना दी थी। तो चलिए दोस्तों थानतवेट और त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पाथ फाइंडर और नेट JRF चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।